हरियाणा में श्री कृष्ण की कर्मस्थली कुरुक्षेत्र से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को स्वच्छता का एक नया संदेश देंगे। देश भर में अपनी तरह का ये पहला स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित होगा। इस कार्यक्रम में देश भर से लगभग 7,500 महिला प्रतिनिधि और 15,000 महिला पंच सरपंच प्रदेश भर से हिस्सा लेंगी। ये कार्यक्रम हर तरह से खास हो इसके लिए पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। सभी विभागों के अधिकारी जी जान से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुट गए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की कमान हरियाणा पुलिस के हाथ में है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार बड़े अधिकारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुरुक्षेत्र के दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा पुलिस में ADGP RC मिश्रा आज आयोजन स्थल पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को इस कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पे 12 तारीख को रैली है, तो रैली में बेसिकली स्वच्छ भारत में जो महिलाओं का योगदान है उनको, स्वच्छ भारत में स्वच्छाग्रही जो महिलाएं हैं उनको सम्मानित करने का है। पूरे देश से इसमें जो है तकरीबन 5,000 महिलाएं आ रही हैं और 10,000 के करीब हमारे हरियाणा की हैं, और उसके लिए यहाँ पे जो है बृहद जो है सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पे हमने जो हेलीपैड में वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया है। जो हमारा बंदोबस्त यहाँ पे जो प्लेस है फंक्शन उस पर भी पूरा जो है अरेंजमेंट किया है। यहाँ पे हमने काफ़ी पुलिस फोर्स को लगाया है जिसमें कई जो है सीनियर ऑफिसर्स आए हुए हैं, और यहाँ पे जहाँ पे फंक्शन होगा जो पार्किंग का प्लेस है, जहाँ पे लोग बैठेंगे, जो एंट्री गेट है, सभी जगह हमने पूरी जो है बंदोबस्त का अरेंजमेंट किया है, और किसी भी तरह की कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो उसको देखते हुए पूरे शहर में हमने कैंपिंग भी करा रखी है। जितनी भी धर्मशालाएँ हैं, जितने होटल्स हैं, जो आपके रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टैंड हैं, ढाबे हैं, सबको जो है थोड़ी चेकिंग हो रही है। पूरे शहर को हम सैनिटाइज कर रहे हैं, पूरी तरह से सिक्योरिटी जो है क्लीन अप कर रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में किसी भी तरह का कोई विघ्न ना हो इसके लिए कुरुक्षेत्र में लगातार सर्च ऑपरेशन और तलाशी अभियान जारी है। सत्य खबर के लिए कुरुक्षेत्र से भारत की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।